सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। रब यू पाम दोनों हथेली को रब कीजिए, फेस पे लगाइए, पुट ऑन योर फेस एंड स्लोली स्टोरी का। सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। मैं आज से हठ योगिक ग्रंथ जिसमें घृण संहिता का आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। घृण संहिता आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा मास्टर्स में या फिर डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा, बट हम यहाँ जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारीकियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या आता है किन्हीं को तो आप जो है नोट करके लास्ट में जो है पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी अपनी क्लास की रूपरेखा बता दूं कि आपको कैसे क्लास करनी चाहिए। जैसे क्लासेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अपने हाथ में नोटबुक कॉपी कलम रख के बैठिए। एक स्पेशल कॉपी घृण संहिता की आप बना लें। जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आप नोट बनाते जाए साथ साथ, उसको डिले नहीं करना है, कल पे नहीं छोड़ना है, तभी आप अच्छे से इसको कर पाओगे। क्योंकि अभी तो एक क्लास स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे आपके बाकियों की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पेपर वन स्टार्ट होगा, पेपर टू के अन्य टॉपिक स्टार्ट होंगे, तो फिर आपका जो है बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अच्छा है कि अभी से ही आप उसकी तैयारी कर लें, अच्छे से स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर लें, नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको एग्जाम के टाइम में बर्डन ना रहे। ओके, तो ये है आज घृण संहिता जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कई ऐसे चीज हैं जिनको आपने प्रैक्टिकली भी किया होगा, समझा होगा, देखा होगा। यहाँ पे सबके पास है घृण संहिता की बुक, एक बार हैंड रेज कर लीजिए। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो हैंड रेज कीजिए, जिनके पास है वो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। घृण संहिता बुक जो है हर किसी के पास होनी चाहिए, तो आप लोग परचेज कर लेंगे। मैं एक बार आपको बुक की इमेज दिखा देता हूं। ये है बुक, स्वामी निरंजनानाथ सरस्वती की बुक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर। ठीक है, स्वामी निरंजन सरस्वती घृण संहिता, इसी बुक का रेफरेंस के साथ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो घृण संहिता जो है इसके बारे में पहले जानते हैं एक्चुअली है क्या ये बुक। तो ये हठ योगिक ग्रंथ है, ठीक है, और ये आपके व्यवहारिक योग पे लिखा गया है, जो हमारे डेली लाइफ रूटीन में है उस पे आधारित है ये। एक्चुअली इसमें यम नियम की चर्चा नहीं है। जब ये बुक की रचना हुई थी, 17वीं शताब्दी का ग्रंथ कहे जाते हैं ये, 17वीं शताब्दी, उस टाइम पे यम नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऑलरेडी वो लोग नम यम नियम का पालन करते थे। आप पतंजलि योग सूत्र हैंड डाउन कर लीजिए, जब आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो उसमें आपने यम नियम, अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम को पढ़ा होगा। ओके, बट यहाँ पे इस हठ योगी ग्रंथ में यम नियम की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस जिस काल में इस ग्रंथ की रचना करी गई होगी उस वक्त इसकी यम नियम की आवश्यकता नहीं रही होगी ऋषि मुनि द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त जो है मैक्सिमम लोग सत्य बोलते थे, अहिंसा का पालन करते थे, अपरिग्रह रखते थे, ज्यादा नहीं इकट्ठा करते थे, अस्ते रहते थे। ये जो हमारा पर्सनल क्लींजिंग और सोशल क्लींजिंग है उसका पालन ऑलरेडी हुआ करता था, इसलिए इसमें यम नियम की चर्चा नहीं।
ठीक है, इसमें आपको सप्तांग योग के बारे में बताया गया, डायरेक्ट शुद्धि। अब यहां पे सप्तांग योग जो है हिरण्य संहिता में बताया गया है। जैसे जैसे आप अलग ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे आप हठ प्रदीप का जब पढ़ेंगे तो वहां पे चतुरंग योग की चर्चा है, जब आप गोरक्ष संहिता पढ़ेंगे वहां पे षडांग योग की चर्चा है, हठ रत्नावली जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे चतुरंग योग की भी चर्चा है। हठ रत्नावली और हठ प्रदीप का करीब करीब सेम है, 90-80%, 90% सेम है दोनों में। इसके बाद जैसे पतंजलि योग सूत्र, वहां पे अष्टांग योग की चर्चा है। पतंजलि योग सूत्र हठ योगी ग्रंथ नहीं है, याद रखना, ये दर्शन है, योग दर्शन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हठ योगी ग्रंथ में सप्तांग योग की चर्चा है। अब सप्तांग योग में क्या क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में, पहले इसको समझिए। अब ये जो घिरंड संहिता लिखी गई है, इसकी जो प्रणेता कहे गए हैं वो महर्षि घिरंड कहे गए हैं, और ये कन्वर्सेशन है। जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हैं या उपनिषद है, ये क्या है, एक कन्वर्सेशन है। वही घिरंड संहिता भी एक कन्वर्सेशन है, किसके बीच, महर्षि घिरंड और राजा चंड कपाली के बीच, उसके बीच की ये चर्चा है। योग पे विवाद, उस पे योग पे चर्चा करी गई है, उसी को इन्होंने अच्छे से ग्रंथ का रूप ले लिया है, ठीक है। इसमें कहे जाते हैं कि जो महर्षि घरंड है वो मतलब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कहे जाते हैं कि ये वैष्णव संत रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इनके श्लोकों में मानते जलम विष्णु थलम विष्णु, इस तरह से श्लोक में विष्णु के शब्द आते हैं, कहीं कहीं पे नारायण भी वर्ड प्रयुक्त हुए हैं। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि महर्षि घिरंड जो है वैष्णव संत रहे होंगे, और इसका कहीं साक्ष्य नहीं मिलता कि ये इनकी जन्म कहाँ हुई है, इनका जन्म कौन से ईस्वी में हुआ है, क्या है, इसका कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ओके, तो सबसे पॉइंट क्या है कि 17वीं शताब्दी का ये महर्षि जो घिरंड संहिता है, 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और इसकी जो पहली कॉपी हुई थी 1804, सन 1804 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। ओके, और ये जो घिरंड संहिता है ये पूरे शरीर शुद्धि की क्रिया, जैसे इसमें सप्तांग योग की बात करी गई, तो सबसे पहले सप्तांग योग में सटकर्म की बात करी गई। सटकर्म मतलब छह कर्म की चर्चा करी गई, जिसमें धोती वस्ती नेति नौली त्राटक कपाल वाद, इस तरह से छह सटकर्म हैं, और उसके भी कई प्रकार हैं, ठीक है। धोती के कई प्रकार हैं, कपाल भाती के प्रकार हैं, वस्ती के प्रकार हैं, इस तरह से हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। फिर इसमें आसनों के बारे में बताया महर्षि घिरंड ने, जब आप शरीर को शुद्ध कर लेते हैं तब जाके आप आसन पे जाते हैं, ठीक है। इसमें श्लोक है, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साध। घट क्या, घट मतलब ये शरीर, शरीर को शुद्ध करने के लिए ये सात साधन बताए गए हैं। सटकर्म के अभ्यास से शोधन होता है, आसनों के अभ्यास से शरीर में दृढ़ता आती है, शोधनम दृढ़ता च स्थिरतया, मुद्राओं के अभ्यास से स्थिरता आती है, स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, प्राणायाम के अभ्यास से हल्कापन आता है शरीर में, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है, उसके बारे में डिटेल हम समझेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार इसके बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको एक पीपीटी है उसको मैं शेयर कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। फिर और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखिए, दिख रहा है सबको स्क्रीन पर, दिख रहा है सबको, बता दीजिए मुझे। यस ठीक सर, यस सर, है, देखो महर्षि घिरंड रचित है ना, महर्षि घिरंड रचित ग्रंथ जो है, इसमें
कुल सात अध्याय है, 7 चैप्टर है। अब देखो यहां पे अध्याय को प्रकरण कहा गया है। अब जैसे आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, वहां पे क्या है, चैप्टर को क्या कहा गया है, पाद, है ना। तो ऐसे बाकी के अन्य हठ योगी ग्रंथ में भी अलग अलग नाम है। आप जैसे हठ प्रदीप का पढ़ेंगे तो वहां पे उपदेश कहा गया है, प्रथम उपदेश, द्वितीय, से चार उपदेश बताए। यहां पे क्या है, अध्याय को प्रकरण कहते हैं, ठीक है। तो 7 प्रकरण है टोटल। इसे घटस्थ योग या सप्तांग योग भी कहते हैं। सप्तांग मतलब 7 अंग बताए गए हैं, और ये घट पे आधारित है, मतलब शरीर पे आधारित है। घटस्थ योग शरीर पे आधारित योग है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में किया गया। इसके रचयिता कौन है, प्रणेता कौन है, महर्षि घेरंडकर। एक बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसकी रचयिता कौन है, कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है, किसके बीच का संवाद है, तो राजा चंडकपाली और महर्षि घेरंडक। इसमें कौन सी योग की चर्चा है, सप्तांग योग की चर्चा है। इसका उद्देश्य, महर्षि घेरंड अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं, तत्व ज्ञान, ट्रू नॉलेज, ठीक है। इसमें योग का सबसे बड़ा, योग को सबसे बड़ा बल बताया गया है। इसमें नास्ति योगात परम बलम, योग के समान कोई बल नहीं है, ठीक है। माया संपापम, माया के समान कोई पाप नहीं है, ऐसे श्लोक आगे हम देखेंगे इसमें। सप्त साधन में, जैसे देख आपको मैंने बताया था, सोचनम दृढ़ता च व्यस्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य। सप्त साधन ये श्लोक हम पढ़ेंगे इसके, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं क्लास में आपको बताता जाऊंगा कि किस श्लोक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ट्रिपल स्टार कर दूं, 5 स्टार कर दूं, तो समझ जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्टार कर दूं तो थोड़ा सा कम है। इस तरह से आप स्टार मार्क करके पढ़ना। जब रिवीजन का टाइम आता है ना, लास्ट मोमेंट में, 1 सप्ताह 1 वीक रह जाता है, तो आप क्या करते हो, जो सबसे ज्यादा स्टार वाले हैं उस पे ज्यादा फोकस करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, मेरी क्लास की खासियत है। जैसे आपको दूध देने दिया जाता है और आपको मीठा दूध पसंद है, चीनी डालते हो, तो डायरेक्ट पी लेते हो क्या? नहीं ना, चम्मच से उसको मिलाते हो, मिलाते हो, फिर उसका स्वाद, मीठापन जो है दूध में मिलता है, फिर आप पीते हो तो अच्छा लगता है। वैसे ही हम आपको पिलाएंगे किरण संहिता, ठीक है, और ये पीना ही पड़ेगा। तो आपको जितना आप मंथन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना रस उसमें मिलेगा, फिर पढ़ने का मजा है तब, ठीक है। चलिए, शोधन से पहला था हमारा सप्तांग में शोधन, षटकर्म। तो षटकर्म के अभ्यास से शोधन को, मतलब शरीर की शुद्धि होती है, ठीक है। आज आप शोधन में पढ़ेंगे कि षटकर्म में और क्या क्या है, धोती में क्या, कौन कौन से धोती है, हृदय धोती, दंत धोती, कई प्रकार हैं, और वस्ती में कौन से है, जल वस्ती, स्थल वस्ती है, धोती वस्ती, नेति में कौन है, जल नेति, सूत्र नेति, धोती वस्ती नेति, नौली, भ्रमर नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली, ये प्रकार है षटकर्म के विभिन्न, और उसके अंदर भी कई प्रकार है बताएंगे। फिर आसन के अभ्यास से हम दृढ़ता को पाते हैं, फिर मुद्रा के अभ्यास से, मैंने आपको बताया, स्थिरता को प्राप्त करते हैं। प्रत्याहार, जब आप इंद्रियों को जब निग्रह करते हैं, समझ रहे, कछुए के भांति, आप देखो कछुए को छूने जाओ, कैसे वो अपने चारों हाथ पैर अंदर की तरफ समेट लेता है, एकदम वज्र हो जाता है वो, पत्थर की भांति, ठीक है, वैसे ही। और ये देखो बहुत, ये सिर्फ आपको जो है एग्जाम के पॉइंट अभी से मत करो, अपने जीवन में जब तक इसको नहीं उतारोगे ना, तो फिर योग का, आप योग साधक, योग साधक होना बहुत जरूरी है, उसको जीवन में उतारना उतना ही जरूरी, तब ये फलीभूत होता है। तो प्रत्याहार के अभ्यास के आपके अंदर धैर्यता आती है। बताइए, कोई विद्यार्थी के अंदर, स्टूडेंट के अंदर सबसे ज्यादा एक गुड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एनीवन? माइक अनम्यूट करके। हाँ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन जी, सर, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ओके। स्थिरता और इसके लिए सर होनी चाहिए सर। स्थिरता
सबसे गुड क्वालिटी होना चाहिए पेशेंस, उतावलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही संयम धैर्य ये बहुत जरूरी है। कई बार ना इम्पेशेंट हो जाते हैं, जैसे अभी नवनी जी कह रहे थे सर हम ज्यादा ट्राई नहीं करते, 2 ही बार क्या छोड़ दिया। नहीं, हो सकता है कि आपने अगर एक स्टेप और लिया होता तो शायद आपका एडमिशन हो जाता, बट आपने लिया नहीं। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हम ना बहुत शॉर्ट वो हो जाते हैं कि हमें जल्दी चाहिए रिजल्ट, हमने पढ़ाई किया तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए, भाई सालों लग जाते हैं। हम तो अभी भी सीख रहे हैं, हम तो कभी मानते हैं हमने सीख लिया है, हमें लगता है कि हमें और पढ़ना है, अभी हमें और जानना है, हमें और अध्ययन करना है, और जानना है। योग जो होता है ना समुद्र है, और हम उसका एक बूंद अभी समझ लो तो थोड़ा बहुत एक बूंद हमने जाना है। तो धैर्य होना बहुत जरूरी है, धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के लाघवन का मतलब होता है हल्कापन। प्राणायाम के अभ्यास से आप शरीर को हल्का बनाते हैं। ध्यान से प्रत्यक्ष मतलब आप किसी चीज को अनुभूति, कहते हैं ना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होता है ध्यान से। हु एम आई, मैं कौन हूं, आप जानते हो खुद को। निर्लिप्तम मन की अनाशक्त अवस्था, ये एक समाधि की अवस्था है, एक राजयोग की अवस्था है। समाधि को यहाँ पे राजयोग भी कहते हैं। जब आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे वहां पे इसके कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं समाधि के भी, और यहाँ पे भी कई प्रकार के समाधि, रसानंद समाधि, लय योग सिद्धि समाधि, मूर्छा समाधि, इस तरह से कई समाधि की चर्चा, आई थिंक 6 प्रकार की समाधि चर्चा यहाँ पे है। सत्कर्म के 6 प्रकार होते हैं, अब यहां से समझ लेते हैं कि कौन कौन सा है। धोतिर्वस्ति, ये आपको याद कर लेने हैं श्लोक, ठीक है, जो मैं बोलूं श्लोक आप उसको रट जाइए। धोतिर्वस्ति नेति नौलि त्राटक तथा कपाल भाति चैतानी सत्कर्माणि समाचरेत। ये 6 कर्म बताए गए हैं, ठीक है, और इसका अभ्यास करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए योगियों को। कौन कौन सा? धोतिर पहला, दूसरा वस्ती, तीसरा नेति, लौलकी। यहाँ पे नौली को लौलकी कहा गया है, याद रखना लौलकी ये वर्ड आप याद रखना, एग्जाम में आ जाए अरे यहाँ तो सर ने नौली बोला था, लौली है ये तो गलत है लग रहा, नहीं, हट पर ग्रंथ संहिता में लौली बोला गया, लौलकी। त्राटक कपाल भाती, ये 6 कर्म जो है सत्कर्म बताए गए हैं। कहीं कहीं पे ना 8 कर्म भी है, ठीक है, आप पढ़ोगे आगे। धोती में धोती के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अंतर धोती, ठीक है, और उसके अंदर भी है, लेकिन पहले जान लेते हैं कौन कौन से 4 हैं। तो पहले अंतर धोती है, दूसरा है दंत धोती, हृदय धोती, और चौथा मूल शोधन। अब एक एक करके समझते हैं। अंतर धोती, देखो धोती जो होता है आपके इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्डोमेन वाले भाग को क्लीन करता है, आंतों की क्लींजिंग करती है, इसोफेगस को क्लीन करता है, ठीक है, अमाशय को क्लीन करता है धोती। अब उसमें भी कई प्रकार हैं कि आप अंतर धोती में 4 प्रकार बताया गया है, इसका एक चार्ट आप बना लेंगे, पूरा चार्ट धोती का पूरा चार्ट बनाना है। जैसे अभी मैं पढ़ा लूंगा तो आप एक चार्ट बनाएंगे धोती वस्ती और उसके कितने सब टाइप्स हैं वो लिख लेना है, ठीक है, और जगह छोड़ के रखिएगा, अभी मत बनाइएगा, जब मैं कहूंगा तब बनाइएगा, पढ़ लीजिए, और उसके बेनिफिट्स लिखते जाना है उसके नीचे ही, उसके बेनिफिट्स क्या है, मेन मेन पॉइंट्स जहां मैं बोलूंगा हाईलाइट करना है वो पॉइंट्स आपको उसके नीचे लिख लेना है। पहला होता है वातसार, दूसरा वारीसार, वहनी सार है ये, है ना, वहनी और वहिष्कृत, ये 4 प्रकार के अंत धोती है। वातसार में वायु, वायु होता है वातसार मतलब वात मतलब वायु, इसके साथ करते हैं, वाणी मतलब जल, जल के साथ करते हैं, वहनी ऐसा कुछ नहीं है कि अग्नि के साथ प्रयोग करें, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, और बहिष्कृत, ये 4 है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद, जब हम मैं बुक पढ़ाऊंगा उस वक्त। दंत धोती, इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? दंत मूल, जिभा मूल, कर्णरंध्र और कपाल मंद्र। आप सोचोगे ये तो 4 ही है, लेकिन कान किन के भाई, सबके कान 2 है ना, लेफ्ट और राइट, इसीलिए दोनों को काउंट करके इसको 5 कहते हैं। तो टोटल अगर एग्जाम में पूछ दे दंत धोती
कितने, तो पांच बताना है आपको। कभी भी चार या पांच दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो चार आएगा या तो पांच आएगा। चार आ गया तो चार बताना है, पांच आया तो पांच बताना है, ठीक है? लेकिन जनरली पांच ही आता है। समझा, फिर से बोल बताएंगे। दंत धोती के जो प्रकार हैं वो टोटल देखो चार प्रकार हैं। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरन्ध्र, कपालरन्ध्र। दंत मूल मतलब दांतों की क्लिंजिंग, जिह्वा मूल मतलब जिह्वा की क्लिंजिंग, कर्णरन्ध्र मतलब कानों की क्लिंजिंग, और कपालरन्ध्र मतलब कपाल की पर जो उसकी क्लिंजिंग होती है। अब मैंने कहा यहाँ पे कि कर्णरन्ध्र जो है दो कान होते हैं, इसीलिए इसको टोटल पांच काउंट करते हैं। कि अगर दंत धोती की बात करेंगे कितने हैं, तो वहां पे आपको पांच बताना है, ठीक है? अगर पांच ना दिया रहे, चार दिया रहे, तो आप चार टिक करके आओगे, ठीक और है? अगर लेकिन दोनों भी होगा तो सर चार दोनों और नहीं पांच। नहीं ओके रहेगा। आप एक कहीं भी से भी इस तरह का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कि दोनों रहे, या तो चार रहेगा या तो पांच रहेगा, लेकिन मैक्सिमम पांच ही रहता है, ठीक है? संजोग की बात है कि चार कुछ बोले, लेकिन जनरली पांच ही रहते। हृद धौति के तीन भेद है, दंड धौति, दंड धौति, वमन धौति, वसन मतलब वस्त्र धौति। वस्ती के दो प्रकार हैं, जल वस्ती, शुष्क वस्ती। शुष्क को जल वस्त्र, स्थल वस्ती भी कहते हैं। इसके विधि प्रकार मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं जब मैं बुक पढ़ाऊंगा, तो अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये एज ए सिलेबस है आपका, ग्रंथ संहिता के सिलेबस को हम देख रहे हैं। नेति, इसको ENT केयर भी कहते हैं नेति को। इसमें हमें पढ़ना है जल सूत्र नेति, पढ़ना है जल नेति नहीं, जी। पढ़ना सूत्र नेति की चर्चा है पढ़ना है। ओके, नेति में इसके बाद आता है, यह तीन प्रकार की है। नहीं, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये गलत। लौलिकी, इसको नौली भी कहते हैं। इसके भी प्रकार है यहाँ पे, भ्रमर नौली, दक्षिण नौली और वाम नौली। त्राटक, बाह्य त्राटक, अंतः त्राटक। लेकिन इसमें ऐसा कोई भेद नहीं है, लेकिन प्रकारों में। सर अगर हाँ जी, टाइप टाइप ऑफ नेति पूछता है, जिसमें एक एक को टिक करना है या दो को, जैसे सूत्र नेति और जन नेति, जैसे नेति पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप कह रहे हैं कि हमें केवल सूत्र नेति के बारे में चर्चा करनी है, तो इसमें सिलेबस में जो रहेगा ना सर, हम वही पढ़ेंगे, है ना? तो जहां तक मुझे पता है, यहाँ पे जल नेति में, अच्छा दोनों हैं, जल नेति और सूत्र नेति। हाँ जी हाँ जी, दोनों हैं, तो दोनों पढ़ेंगे। जो सिलेबस में रहेगा हम वही पढ़ेंगे। हट प्रदीपिका में, सॉरी, हट प्रदीपिका में सिर्फ सूत्र नेति की चर्चा है, वहां नहीं, इसलिए मुझे मिस्टेक हो गया, ठीक है? हट यहाँ पे घेरण संहिता में दोनों है, लेकिन आप जब हट प्रदीप का पढ़ेंगे ना, तो वहां पे सूत्र नीति की ही चर्चा है, जल नीति की चर्चा नहीं। कपालभाति के तीन है भेद बताया गया, वित्कर्म, वात कर्म, वित कर्म और शीत कर्म। वात कर्म मतलब वायु के साथ जो आप करते हैं कपालभाति। एक्चुअली कपालभाति क्या, एक सट कर्म है, ठीक है? लेकिन आजकल उसको एक प्राणायाम के तौर पे भी ऐड कर लिए गए हैं, ठीक है? और वित्कर्म होता है जो अपन नाक से पानी लेकर मुंह से निकालते हैं, जैसे वित कर्म। शीत कर्म होता है मुख से पानी लेके नाक से निकालते हैं, जैसे शीत कर्म। कपालभाति का अभ्यास से कफ उत्पन्न दोषों का निवारण होता है। इसके बाद 12 आसनों की चर्चा करी गई है। भगवान शिव ने पहले तो 84 लाख आसन बोले गए, उसमें भी मुख्य आसन जो है श्रेष्ठ आसन 84 बोला, और उनमें भी 84 में से भी 32 आसनों को अति विशिष्ट बोला है, जो हमें पढ़ना है। 32 आसन आपको याद होने चाहिए, तो एक एक करके इसको भी हम समझ लेंगे कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, ये याद हो जाएगा। दो तीन बार लिखोगे अच्छे से और याद करोगे, याद हो जाएगा। इसके टेक्निक्स में बता दूंगा, सिद्ध, पद्म, भद्र, इस तरह से एक टेक्निक्स है, वो आप उस तरह से याद कर लेंगे, याद हो जाता है, कोई हार्ड नहीं है। याद करना ही पड़ेगा आपको। वज्रासन, स्वस्तिक आसन, सिंहासन, गौमुख आसन, और आसनों के तो नाम याद कर लो, लेकिन वही आसन आपको याद करने हैं जिसमें विधि विधि नहीं, जिसमें लाभ हो, क्योंकि लाभ से ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। विधि से बहुत कम ऐसा होता है जो विधि से क्वेश्चन आता है।
इसके बाद गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तान, उत्कट, शंकट, मयूरासन, कपुटासन, कुर्मासन, उत्तान मंडुक, उत्तान मंडुका, इसमें कई प्रकार भी है ना। मंडुकासन पढ़ेंगे तो उत्तान मंडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। इसको एक बार आप लोग रीडिंग कर लेंगे अच्छे से। ये मैं आपको ये पीपीटी आपके ड्राइव पे मिल जाएगा आपको, है ना, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ड्राइव पे आप एक बार मैसेज ग्रुप में डाल दीजिएगा तो वो आपको ड्राइव का लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद 25 मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से 16 मुद्राएं हैं, लेकिन ये मुद्राएं के अंदर ही है। जब एग्जाम में पूछे कि गिरंट संहिता में कितने मुद्राओं की चर्चा है, तो आप 25 बताएंगे, ठीक है, ना कि 16। 25 के अंदर ही 16 मुद्राएं हैं, 4 बंध हैं और 5 धारणा है। ओके, तो टोटल 25 हो जाते हैं। तो ये सारे 25 मुद्राओं की चर्चा है, इसमें 5 धारणाएं हैं, इसके बाद बंद है, 4 बंद हैं और 16 मुद्राएं हैं टोटल। इस तरह से डिस्क्रिप्शन है इसमें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में हम जानेंगे इसको। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे 16 मुद्राएं, 4 बंद, 5 धारणा। प्रत्याहार इंद्रियों का निग्रह है, ये क्या करता है, कामादिक सूत्रों का नाश करता है। प्राणायाम हो गया, 8 प्राणायाम की चर्चा है यहाँ पे भी, सहित सगर्भ और निगर्भ, ठीक है। इसके बाद सूर्य भेदी, इसके प्रकार हो गए, सहित प्राणायाम है जिसके अंदर सगर्भ और निगर्भ पढ़ेंगे। इसका सूर्य भेदी, उज्जायी, शीतली, शीतकारी, नहीं शीतकारी नहीं है, सॉरी शीतकारी आपको हठ प्रदीपिका में, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये 8 प्राणायाम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत 10 प्राण की चर्चा है, 10 प्राण में 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण, ठीक है। इसके भी याद कराने के टिप्स हैं, मैंने आपको एक इस तरह से बताऊंगा, उपसा करके याद करेंगे। ऊपर उदान हो गया, प से प्राण, स से समान, आकार लग गया आपान, और जो बच गया व्यान। तो इस तरह से 5 प्राण है और 5 उपप्राण है हमारे शरीर में। यही 5 प्राण और उपप्राण हमारे पूरे शरीर को संचालन करता है, कोई भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उसमें है उपप्राण है आपको नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। इसके बाद आप जब प्राणायाम करते हैं तो उस वक्त आपके स्थान कौन सा होना चाहिए, कौन से समय करना चाहिए, आहार विहार की चर्चा है और नाड़ी शुद्धि की चर्चा यहाँ पे रेशियो के बारे में भी बताया गया, 16, 64 और 32, ये रेशियो प्राणायाम का रेशियो है। इसके बाद आहार के बारे में, मिताहार, क्या भोजन लेना चाहिए, पथ्य अपथ्य आहार के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ध्यान के प्रकार, स्थूल ध्यान है और ज्योति ध्यान है और सूक्ष्म ध्यान, ये 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। कहता है कि स्थूल ध्यान ज्योति ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ है, और ज्योति ध्यान से स्थूल ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे ये स्थूल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सर एक मिस्टेक है, ज्योति ध्यान स्थूल ध्यान से ध्यान रिवर्स है सर, रहना चाहिए ना रिवर्स वहां है। रिवर्स, हाँ जी, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, कोई मिला, सूक्ष्म ध्यान आना चाहिए। ये सूक्ष्म ध्यान जो है सबसे श्रेष्ठ, यहाँ पे सूक्ष्म ध्यान को बोला जाए, ठीक है। 7 प्रकार के, सॉरी 6 भेद बताए गए समाधि के, और यहाँ पे ना सांभवी ये अलग है, एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के पूछ सकता है कि 25 वो मुद्राएं हो गई और एक तो सांभवी मुद्रा भी तो है, लेकिन नहीं, तो आप 26 भी ऑप्शन में आ सकता है, तो 26 गलत हो जाएगा। मुद्राएं तो 25 ही है, उसी वही आपको लिखना है। यहाँ पे अलग से सांभवी मुद्रा की चर्चा बताई गई, इसमें ध्यान योग समाधि में। इसके बाद नायब योग समाधि पढ़ेंगे, और नहीं सॉरी ये कहा गया है कि ध्यान योग की समाधि को प्राप्त करने के लिए वहां पे सांभवी मुद्रा का जिक्र करा गया है, कि सांभवी मुद्रा से आप ध्यान योग समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। भ्रमरी प्राणायाम से आप नाद योग की समाधि, भ्रमर करते ना, गुंजन करते हैं, नाद के जैसा वो फील होता है हमारे, तो नाद योग समाधि को प्राप्त करते। रसानंद में खेचरी मुद्रा, क्यों,
जब आप खेचरी मुद्रा करते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारे सोमरस टपक रहा होता है ऊपर से चंद्रमंडल से, हम मंडल के बारे में ही पढ़ेंगे, तीन मंडल है हमारे शरीर में, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल और योनि मंडल। जो चंद्रमंडल जो स्राव हो रहा है नेक्टर का, सोमरस का, उसको हम पान करते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से, खेचरी मुद्रा के अभ्यास, इसलिए कहते हैं रसानंद, रस जो है उस रस का आनंद लेने के लिए खेचरी मुद्रा। लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा के अभ्यास से, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि मनोमूर्छा से, और राजयोग समाधि या मनोमूर्छा समाधि जो है मक्ष से सिद्ध होती है। इसको हम उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, बस अभी जो आपको पढ़ाया, अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, ये क्या होता है, नहीं होता है, ये लाजमी है, ठीक है, लेकिन अभी हम तो ब्रीफ देख रहे हैं कि आपके सिलेबस को हम समझ रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का इस टॉपिक, कि हम अच्छे से समझे हैं कि हिरण्य संहिता में हमें क्या क्या पढ़ना है। जब मैं बुक शेयर करूंगा उस वक्त हम एक एक चीज को श्लोक के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। किसी का कोई कोई प्रश्न है तो आप बताएं। हाँ सर, एक प्रश्न है। नीति योग में जो हम सूत्र प्रयोग करते हैं हर प्रदीपिका में, घेरण में दोनों सेम है सर। यहाँ जल नीति का जिक्र नहीं किया है। श्लोक नंबर अगर 50-51 में देखेंगे सर, तो वहां अच्छा, नहीं है ना पर वही, तो घेरण संहिता भी केवल सूत्र नीति है सर, जल नीति नहीं है। नहीं है ना, इसलिए मैंने वहां पे जिक्र किया। मैं अभी बस सिलेबस देख रहा था, वहां पे जल दिया हुआ था, लेकिन सूत्र ही पढ़ना है। जब श्लोक में जो दिया रहा, सिर्फ आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, श्लोक के माध्यम से आपको पढ़ना है, विवेचन नहीं ध्यान देना है, कि विवेचन में क्या है, ठीक है, व्याख्या जो है, जो व्याख्या है ना, व्याख्या से प्रश्न नहीं आते, आपके श्लोक से प्रश्न आते हैं, तो श्लोक को समझिए, श्लोक में समझाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और कई सारे यहाँ पे त्रुटियां भी हैं कई जगह पे, तो उसको अभी तक सुधारा तो नहीं गया है, लेकिन कब सुधारते हैं। तो श्लोक में कुछ और कहा गया है, और जब आप इसकी व्याख्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे, तो वहां पे कहीं कहीं अलग मिलता है, ठीक है, तो अर्थ को थोड़ा सा नजरअंदाज करना है, सब में नहीं, मैं बता दूंगा, श्लोक को ध्यान में रखना है कि श्लोक में क्या कहना है। ओके, सर क्या है ना, 14वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में तभी जल नीति का नहीं हुआ था, ये तो कुछ 21-22 की बात का प्रयोग किया गया। बाद में इसको ऐड करा गया है,